हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थार में जमीन के भीतर की गर्मी से होगा विद्युत उत्पादन। केरियन का जियोथर्मल एनर्जी के लिए नवाचार। बेकर ह्यूजेस के साथ मिल 2.4 मेगावाट उत्पादन की योजना। राजस्थान को दुनिया के एनर्जी में पलाने वाले थार रेगिस्तान के तेल कुएं अब एक नवाचार के साथ ऊर्जा के नए क्षेत्र में प्रदेश को प्रतिस्थापित करने वाले हैं। जमीन के भीतर हजारों मीटर गहराई में प्राकृतिक रूप से मौजूद ऊष्मा का उपयोग करते जियोथर्मल एनर्जी की सहायता से अब बिजली का उत्पादन किया जाएगा। थार के बाड़मेर जिले में तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन करने वाली केरियन ऑयल एंड गैस नेट एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी बेकर ह्यूजेस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के तहत कंपनी के तेल और गैस के रिपर्पस्ड कुओं से जियोथर्मल एनर्जी को काम में लिया जाएगा। इस अनुबंध का सफल निष्पादन होने पर केरियन ऑयल एंड गैस तेल और गैस के साथ 2.4 मेगावाट तक बिजली का सह उत्पादन करेगी, जिससे कि हर साल 17,000 टन ग्रीन हाउस गैस से छुटकारा मिलेगा। यह अनुबंध केरियन ऑयल एंड गैस द्वारा हाल ही में घोषित ESG के रोड मैप के बाद हुआ है, जिसमें उसने 2050 तक शून्य उत्सर्जक कंपनी बनने का वचन दिया था। इस मामले के बारे में केरन ऑयल एंड गैस के डिप्टी CEO प्रचुर शाह ने कहा कि केरन में हम भारत में घरेलू ऊर्जा की मांग को पूरा करने और क्रियाकलापों में स्थायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए भी मजबूती से प्रतिबद्ध है। बेकर ह्यूजेस के साथ हमारे जुड़ने से सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का भारत की हरित ऊर्जा में योगदान मिलेगा। पूरी दुनिया में तेल के सूखते कुओं से जियोथर्मल एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चल रहा है। केरन में हम भारत में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक पद्धतियां लाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के सफर में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। बेकर ह्यूजेस में भारत और बांग्लादेश के कंट्री डायरेक्टर नीरज सेठी ने कहा कि केरियन वेदांता का बेकर ह्यूजेस के साथ मजबूत रिश्ता होने के कारण हम 2050 तक शून्य उत्सर्जक बनने की केरियन की यात्रा में उनके साथ काम करने को लेकर उत्साहित है। हम उच्च तापमान में खोदे गए तेल और गैस के मौजूदा कुओं की रिपर्पजिंग के लिए व्यवहारिकता का संयुक्त अध्ययन करेंगे, ताकि जियोथर्मल एनर्जी पैदा हो सके। भारत को ऊर्जा के प्रदूषण रहित और ज्यादा संवहनीय स्रोतों की तलाश है, इसलिए हम विश्वास है कि बेकर ह्यूजेस की टेक्नोलॉजी ऊर्जा का एक ज्यादा स्थायित्वपूर्ण भविष्य लाने में केरन ऑयल एंड गैस को सहयोग देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर रागेश्वरी डीप गैस फील्ड और उसके आसपास के हाइड्रोकार्बन कुओं का जियोथर्मल एनर्जी के उत्पादन के लिए चुनाव हुआ है। केरन ऑयल एंड गैस और बेकर ह्यूजेस के बीच हुए अनुबंध का निष्पादन चरणों में किया जाएगा, जिसे उत्पादन या खोज के योग्य हाइड्रोकार्बन तेल और गैस कुओं की रिपर्पजिंग द्वारा जियोथर्मल एनर्जी पैदा करने की व्यावहारिकता और क्षमता का अध्ययन, परियोजना की परिकल्पना तैयार करना, परियोजना को परखने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट और फिर पूरी परियोजना का निष्पादन। परियोजना की व्यावहारिकता के अध्ययन का पहला चरण परियोजना शुरू होने के बाद 4 महीनों में पूरा होगा। व्यावहारिकता अध्ययन के चरण में जियो साइंस डाटा का एकीकरण और उसकी व्याख्या, क्षेत्र की जियो थर्मल क्षमता का अध्ययन, सतही सुविधाओं को समझने के लिए क्षेत्र का दौरा, समीक्षा की संपूर्ण रिपोर्ट बनाना आदि शामिल होंगे। बेकर ह्यूजेस के साथ जियोथर्मल एनर्जी की खोज के लिए ये अनुबंध इस साल फरवरी में केरन ऑयल एंड गैस द्वारा घोषित ESG रोड मैप के बाद हुआ है। कंपनी के ESG उद्देश्य उसके परिचालन क्षेत्रों में लोगों का जीवन बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इसमें 1 मिलियन लोगों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर, डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा 2030 तक लगभग 9 मिलियन विद्यार्थियों की शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा पोषण एवं कल्याण के माध्यम से 20 मिलियन महिलाओं और बच्चों का उत्थान शामिल है। कंपनी इस परियोजना में जीवन चक्र में नेट वाटर पॉजिटिविटी और नवीकरण योग्य ऊर्जा के उपयोग को बनाए रखकर और 2030 तक 2 मिलियन पेड़ लगाकर, साथ ही जैव विविधता के संरक्षण और बढ़त द्वारा हमारे ग्रह को ज्यादा स्वस्थ बनाने के लिए नवाचार कर रही है। केरन ऑयल एंड गैस ने हाल ही में अपनी मंगला पाइपलाइन को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली पाइपलाइन में बदलने की प्रक्रिया को शुरू करने की भी घोषणा की थी। यह नवाचार और अन्य पहले नवीकरण योग्य ऊर्जा के क्षेत्र में गहराई तक उतरने और देश के शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रहने में कंपनी की सहायता कर रही है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।